channel. How are you all doing? Please comment जरूर करना. और इस दशहरे पे आप क्या कर रहे थे, आपने कैसे दशहरे को celebrate किया, आप please ये सब comment जरूर करना comment box में. तो guys like बहुत दिनों से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि सेम तरीके का कंटेंट मैं देख रही थी यूट्यूब पे. एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम स्टफ़. तो और फिर मैं ना थोड़ा कंफ्यूज जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए. और मैं अभी इतना सोच भी नहीं सकती क्योंकि एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कर रही हूँ. बट अब जो थोड़े आने वाले वीडियोज़ होंगे वो रिव्यू वीडियोज़ होंगे. और आई होप कि मेरी आवाज़ आपको अब थोड़ी सी बेटर लग रही है, क्योंकि पहले मैं फ़ैन स्विच ऑन करके ही वीडियो बना लेती थी. लेकिन मेरी एक फेलो यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. तो आई थॉट कि मैं वीडियो में थोड़ा और ऊंचा बोलूं और मैं फ़ैन ऑफ कर लूं, और बाकी तो सब कुछ ऑफ ही रहता था ऑब्वियसली लाइट्स के अलावा. दैट वॉज सच अ पीजे, सो सॉरी फॉर दैट. तो गाइज लाइक आज के वीडियो में मैंने सोचा कि चलो, मैंने कुछ चीज़ें ली थी, अफोर्डेबल चीज़ें ली थी. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप देख लो. लाइक अगर आपको देखना है तो आप देख लो. बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मैंने कुछ ली थी अभी, कुछ ऑनलाइन एंड कुछ ऑफलाइन. तो गाइज जो आज का वीडियो है, आज मैं करने वाली हूँ ये ओलिविया पैन स्टिक, आई मीन मेकअप स्टिक का रिव्यू. इसके बारे में मैंने बहुत सुना है गाइज, लाइक एवरीबडी इज़ यू नो ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. गाइज इफ यू आर वंडरिंग आई एम स्वेटिंग, तो हाँ फैन ऑफ है तो थोड़ा सा प्लीज़ हाँ, गर्मी बहुत लग रही है मुझे आज. तो हाँ, तो मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, लाइक एवरीबडी ऑन यूट्यूब इज़ डूइंग द वीडियो, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ. तो ये प्रोडक्ट है, ये है ओलिविया इंस्टेंट मेकअप वाटर प्रूफ मेकअप स्टिक. और बहुत सारी क्लेम्स हैं इसकी, इस यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट वाटर प्रूफ फाउंडेशन विद सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप. ऑल दिस में ये मैंशन नहीं किया कि इसमें कितना सनस्क्रीन है, आई मीन सनस्क्रीन यू नो कितना है. बट ये भी बोलता है कि इट गिव्स अ स्मूथ एंड यूनिफॉर्म कवरेज ऑन योर स्किन, इट गिव्स अ यूथफुल एंड रेडियंट लुक ऑल डे लॉन्ग, ब्लॉक्स हार्मफुल यूवीए एंड वी रेज. ओके, इट क्लेम्स लाइक क्लेम्स इसकी बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता ये कितना अपने क्लेम्स पे टिकेगा. सो आई रियली डोंट नो. इट इज़ वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ हैविंग इनबिल्ट मॉइस्चराइजर, सो दैट मीन्स इफ यू आर नॉट अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस दैट. लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी मॉइस्चराइजर तो आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा इससे पहले, क्योंकि मैंने इसको एक बार यूज़ किया था और मेरी स्किन नॉर्मल स्किन टाइप है, फिर भी मुझे ये ड्राई पैचेस मुझे दिख रहे थे. तो मॉइस्चराइजर के साथ मैंने यूज़ किया था तो मेरे स्किन का ये हाल था. इसमें 11 शेड्स होते हैं ये ऐसा बोला गया है इसके अंदर. बट गाइस अगर मैं आपको सीरियसली बोलूँ तो इसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा तीन ही शेड दिखते हैं. एक तो आई थिंक नेचुरल, और एक होता है कुछ रोज टाइप का कुछ एक होता है, और एक शेड है नेचुरल ग्लो एंड टच आई गेस, वो वाला शेड बहुत इजीली अवेलेबल था. ये तीन शेड इजीली अवेलेबल थे और कोई और शेड मुझे नहीं मिला इसमें. और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको डैब डैब करके आप लगा लो अच्छे से. और गाइज इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइक नेट कंटेंट इसका 15 ग्राम है. ये सारी डिटेल्स ना आपको यहाँ मिल जाती है, 15 ग्राम्स हैं और ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और यू नो 3 इयर्स की आपको इसकी यू नो. तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ना फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाया है, ओनली मैंने अपने आईब्राउज किए हैं और मैंने ये लिपस्टिक लगाई है. तो क्योंकि मैं इसको टेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है. अच्छा, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो गाइज वैसे तो इसकी MRP 120 रुपीज़ की है, बट मैंने ये 100 रुपीज़ में ले लिया था. और मेरा शेड है नेचुरल, और लाइक और मुझे कोई और शेड मिला नहीं अपने फेस कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से. और गाइज मैंने देखा है कि लोग इसको 80 रुपीज़ में भी लेते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू कैन बार्गेन. बट अगर आप अमेजोन और ऐसी साइट से देखोगे तो 150 से भी ऊपर का यू नो दिखाई देता है. और गाइज आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बिकॉज एज वी नो दिवाली इन दशहरा, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. चलो गाइज फिर मैं यूज़ करती हूँ इसको निकाल के. जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, आप सबको पता ही होगा ये, क्योंकि यू नो फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो ये जैसे ये आता है ऐसे स्लीक से पैकेट में, लाइक प्लास्टिक पैकेजिंग में ये ऐसा दिखता है कुछ. और यहाँ पे ना इसको आपको ट्विस्ट करना होता है, एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट अप. ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ऑल दो आई डोंट नो, आई थिंक ये थोड़ा सा मेरी कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा लाइट है, बट चलो ट्राई करते हैं एक बार. मैं इसको थोड़ा और अंदर ले लेती हूँ. आपको इसको एक कंसीलर की तरह ही यूज़ करना होता है, लाइक अगर आप इसको ऐसे लगा लो, देख रहे हो. बट फिर भी ठीक है, लाइक ये इतना भी मेरे शेड जैसा नहीं है, बट चलो
गाइस मैं क्या करूँ, मुझे कोई और शेड मिला ही नहीं तो मुझे यही शेड लेना पड़ा। ठीक है तो मैंने ये अपने फेस पे पूरा लगा लिया, ये थोड़ा सा मुझे पैची लग रहा है तो आई थिंक ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। एक साइड तो मैं ये ब्रश से करूँगी, स्टिपलिंग ब्रश है ये, और एक साइड मैं एक मेकअप स्पंज से करूँगी। तो चलो देखते हैं कि कैसी कवरेज देता है ये, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। ब्लेंड तो हो रहा है अच्छे से, लाइक ब्लेंडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो मेरे हेयर आ रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हेयर टाई कर लिया अपना, अब मैं आराम से इसको कर पाऊंगी। देखो गाइस लाइक ब्लेंड तो ये बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है। और कवरेज तो लाइक पूछो ही मत कितना अच्छा कवरेज दे दिया है। ऑल्सो गाइज इसमें ना एक स्मेल है, एक टिपिकल ओलिविया के प्रोडक्ट्स वाली स्मेल, बहुत ओवर पावरिंग नहीं है, बट हाँ अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है, फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम है तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बहुत माइल्ड है। दूसरा मैं ये स्पंज से, आप कोई ब्लेंडर भी ले सकते हो, उससे आप इसको ब्लेंड कर दो। ओके गाइस जैसे मैंने ब्लेंड कर लिया है, अगर आप देखोगे, देखो आपको बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है, मतलब स्पंज के साथ। हाँ तो मतलब दोनों तरफ ही ठीक कवरेज है, ठीक ठीक कवरेज है, मतलब कवरेज तो इसकी बहुत है। आई मीन 100 रुपए के प्रोडक्ट से आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे, लाइक काफ़ी अच्छी अच्छी इसकी कवरेज है। और मैंने इसको एक बार और यूज़ किया था तो कम से कम ये 3 से 4 घंटे बहुत आराम से आपके फेस पे रखता रहता है। और अब मैं बोलूँ हाँ स्वेट प्रूफ, हाँ स्वेट प्रूफ ये है, बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट कर देता है आपकी स्किन को। सो यू हैव टू यू नो मॉइस्चराइज योर स्किन वेरी वेल बिफोर यूजिंग इट, बिकॉज मेरी नॉर्मल स्किन है, फिर भी मुझे स्ट्रेचेस फील हो रहे थे इसको यूज़ करने के बाद। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप इसको स्पंज से भी लगा सकते हो, आप इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, दोनों में ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं एक बार इसको पाउडर से सेट कर लेती हूँ। मेबलिन का पाउडर लिया है मैंने, देख पा रहे हो लाइक बहुत ही अच्छी फिनिश दी है मेरे को, मेरी स्किन को इसने। आई मीन 100 रुपये में गाइज मैंने ये आज तक का बेस्ट प्रोडक्ट देखा है, आई मीन बेस्टेस्ट प्रोडक्ट है ये ओलिविया का, ये जो प्रोडक्ट है मेरी तरफ से इसको यू नो थम्स अप मिलता है। और नेचुरल शेड अगर मेरे से पूछोगे तो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डस्कियर स्किन टोन पे लाइक मेरी अभी थोड़ी सी पेलिश स्किन है बिकॉज विंटर्स की वजह से, बट अगर मैं ये समर में यूज़ करती तो ये मेरे कॉम्प्लेक्शन को नहीं सूट करता। बट स्टिल लाइक मेरी मीडियम से थोड़ी सी डार्क स्किन है तो मेरे को ये सूट कर गया। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो या थोड़ा सा लाइटर हो मेरे स्किन टोन से तो ये आपको परफेक्टली सूट करेगा। मेरी तरफ से गेट्स गेट्स अ थम्स अप। और गाइज अगर आपको ये यू नो रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आई मीन दुनिया में पहली बार कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ्री में मिलती है। मैं इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो आई फील रियली 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 ग्रेट गाइज। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो आई मी सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइज बाय एंड टेक केयर, लव यू।